तो हे गाइस वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज वाली वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं एकदम ब्रांड न्यू गेम और उस गेम का नाम है मॉडल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक मॉडल मैनेजमेंट सिमुलेटर के अंदर, जहाँ पे हम लोग मैनेज करने वाले हैं अपने पूरे के पूरे खुद के एक होटल को। मॉडल मतलब होटल, तो हाँ कुछ ऐसा ही है इस गेम के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग मैनेज करने वाले हैं मॉडल को। चलो भाई फटाफट इस गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस गेम के अंदर क्या होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू गेम। यहाँ पे हम लोग खोलने वाले अपना खुद का होटल, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे और भाई उनको हम लोग देने वाले हैं रेंट पर रहने के लिए जगह, और उससे हमें मिलेंगे बहुत सारे पैसे और हम अमीर हो जाएंगे। बस यही है गेम का मोटिव, खत्म हो गया गेम यही है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट हुए हैं और मैं स्टार्टिंग में आया हूँ किसी तो बस के अंदर। हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, आई थिंक हम लोग अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। सुबह सुबह का मुझे वक्त लग रहा है, एकदम सुबह के 5 बजे होते हैं ना, कुछ वैसा ही टाइम लग रहा है मुझे ये। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मोटर का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो शायद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने होटल के पास। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये होटल ना किसी तो एकदम हिल वाली जगह पर है भाई, एकदम मस्त स्पॉट में हमारा मोटल है, मोटेल है। यहाँ पे हमारी बस हो चुकी है स्टॉप और हम लोग यहाँ से बाहर देखे हैं तो सामने की तरफ हमारा मोटेल है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरी की पूरी चीज को हैंडल करना है। और ये भाई क्या ही प्यारी लोकेशन पे, तुम लोग देखो भाई यहाँ पे कितने ज्यादा टूरिस्ट वगैरह आएंगे, उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए दूर दूर तक कोई जगह नहीं है। बस ये है जो मेरा मोटेल है और सिर्फ एक जगह है जो कि मेरा होटल है, और इसका मतलब पता है कस्टमर बहुत सारे आने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे तैयार करते हैं अपने होटल को। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक गैस स्टेशन है, जहाँ पे शायद हमारे गैस स्टेशन है ये। तो साथ ही साथ मुझे लगता है हमें एक गैस स्टेशन फ्री मिला है जहाँ पे हम लोग आराम से अर्निंग कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल के लिए खाली पड़ा हुआ है। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे हमारा डे 1 है और सुबह के बज रहे हैं 10। एंड यहाँ पे हमारा जो करंट टास्क है वो है रीड लेटर, तो यहाँ पे कोई तो लेटर आ रखा है, हमें उसे रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ ये रहा हमारा मेल बॉक्स एंड ये है हमारा लेटर। तो भाई ये लेटर हमारे ग्रैंड पा से आया है और वो मर चुके हैं और हमारे लिए वो कुछ छोड़ के नहीं गए भाई इस लेटर में यही था भाई, वो मर गया ग्रैंड पा, हमारे लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा, तो थैंक यू। पर फिलहाल के लिए उसने जो चीज छोड़ी है वो ये है एकदम ही बेकार सा मोटेल, इसको हमें चलाना पड़ेगा। और भाई हमारा ग्रैंड पा मुझे लगता है हमें समझता है निठल्ला नकारा, इसलिए वो देखे गए भाई ऐसा लेटर भाई, अब उसको हमें करना है रॉन्ग प्रूफ के मरने के बाद। यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, शायद ये बता रहा है हमें कि यहाँ पे हमारा हंगर बार है जो कि हमारा भूख बताएगा, हमारे यहाँ पे एनर्जी बार है हम थके कितने हैं। ओके ओवर स्लीप करने पे भी हम लोग यहाँ पे थक सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारी क्लीनिंग व्लीनिंग की भी और सारी चीजें हमें दिखा रखी हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मिशन हमें दिखाई दे रहा है, सामने की तरफ वो सिंबल है, शायद यहाँ पे हमें अब इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ेगी। ओके सेटअप योर कंप्यूटर, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है सेटअप योर कंप्यूटर। ओके तो यहाँ पे हमें अपना सेटअप करना पड़ेगा कंप्यूटर। और एक सेकंड रुको, ये बंद क्यों पड़ा है, हमें इसे खोलना कैसे? ओके भाई ये तो एकदम ही मतलब कोई तो ऐसा गेट भी नहीं है भाई, ये कितना बेकार होटल है, तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे गेट भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, शायद हम लोगों को इसे सेटअप करना पड़ेगा। ओ भाई ये बहुत ही ज्यादा मैसी हो रखा है, मुझे इस चीज की क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी यार। कुछ तो फुटस्टेप्स हैं, किसी की फुटबॉल पड़ी हुई है, पानी पी के यहीं फेंक दिया है, और ये क्या भाई गंदगी, कितनी ज्यादा गंदगी पड़ रखी है, बॉक्सेस बॉक्सेस सब जगह ऐसी फेंक रखी है भाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा काम फैला रखा है इन लोगों ने भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इनको वॉल के पास कुछ ऐसे करके, कम से कम नहीं भी तो इसको सेट कर दे तो मजा आ जाएगा। लेट्स गो इसको सेट कर देते हैं, और लास्ट रह गया इसको भी प्लेस कर देते हैं कुछ ऐसे करके। ओके हमारा सेट हो चुका है, प्लग द कंप्यूटर। ओके पहले कंप्यूटर को हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं। ओके उल्टा लगा जा रहा हूँ मैं, सेकंड रुको यहाँ जाके, अबे उल्टा लग गया, अबे फेंक दिया, फेंकना नहीं था, खराब हो जाएगा। नहीं 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 फेंकना नहीं है, मैं क्यों फेंक दे रहा हूँ उसे। रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, आई थिंक परफेक्टली मैच हो गया, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे जो प्लग है ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, इसको पकड़ू क्या मैं? ओके ये आ चुका है हमारे हाथ में, अब इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर भी कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर फाइनली हमारा पीसी सेटअप हो चुका है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टास्क है जो कि है क्लीन योर ऑफिस। ओके तो हमें अपना ऑफिस क्लीन करना है, पर जितना ये मैसी हो रखा है ना भाई, इसे क्लीन करने में बहुत टाइम लगने वाला है। कुछ भी पड़ा है यहाँ पे, कुछ भी लिटरली, ये देखो ये साइन बोर्ड पड़ रखा है यहाँ पे, जूते का निशान, ये पीला क्यों है भाई, क्या जी भाई, ये किस में रख के लाया है, मुझे समझ में आ रहा है भाई। तो यहाँ पे हम लोग अपना झाड़ू निकालते हैं, सफाई करना शुरू करते हैं यहाँ पे इसकी, जितना भी यहाँ पे गंदगी मचा रखी है लोगों ने सब फटाफट से क्लीन करते हैं। और जितना भी यहाँ पे फालतू जो सामान है ना उनको हम डालते हैं डस्टबिन के अंदर। ये क्या है, ये चीज़ चलेगी, ये चीज़ गई डस्टबिन के अंदर, जो भी छोटा मोटा सामान है ना उसको हम लोग फटाक से डालते हैं इस डस्टबिन के अंदर। इतना भारी हो गया डस्टबिन, इसका पैकेट बन गया। बाहर की तरफ मैं देख रहा हूँ बहुत सारा गंदगी पड़ी हुई है, इन सबको फटाफट से डालते हैं इसके अंदर। और भाई यहाँ तो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है भाई, और अपने होटल में कितने सारे सेक्शन हैं, मुझे वो सारे के सारे क्लीन करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ रिसेप्शन रूम ही नहीं,
जहाँ पे हमारे रूम वगैरह बनेंगे वो भी हमें साफ करने पड़ेंगे। और इसे रुको, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, अभी करते हैं फटाफट से साफ। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। यहाँ पे मैंने अपना पूरा का पूरा ऑफिस क्लीन कर दिया है और भाई मैंने सब चीज अच्छे से सेट कर दी है और जितना भी सामान है वो यहाँ पे देखो सारा का सारा कूड़ा यहाँ पे मैंने फेंक दिया है। और भाई यहाँ पे तो बहुत सारा कूड़ा वूड़ा पड़ रखा है, तुम लोग देख रहे हो भाई यहाँ पे सब जगह ना एकदम मैसी हो रखा है। मुझे सारे कूड़े को ठिकाने भी लगाना पड़ेगा और फिलहाल के लिए इसे मैं ये छोड़ देता हूँ। गैसोलीन लगा के इसमें आग लगा दूं क्या? ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं, सॉरी। वो अपने पास गन भी है, लेट्स गो। ओ ओके, कोई आएगा चोर वोर भाई गोली मार दूंगा भाई। एक तो ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है मुझे पक्का, यहाँ पे या तो कोई खतरनाक जानवर आ सकता है या तो चोर लिटरली तो पक्का होंगे भाई यहाँ पे, इसलिए इन लोगों ने ना गन दे रखी है। तो मुझे लग रहा है भाई आगे जाके किसी चोर से पगड़ा पड़ने वाला है अपना। ये शॉप है और ये भी बंद पड़ रखी है, ये क्या चीज है? ये है वेयर हाउस। ओके ये साफ है, आई डोंट नो ये साफ किसने करा है पर ये सच में बहुत ज्यादा साफ है। तो यहाँ पे अब हमारा रूम पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब वक्त है यहाँ पे मुझे तुम्हें उसका फाइनल लुक देने का। तो ये हमारा डोर ओपन होता है एंड सामने की तरफ हमारा रूम एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ पे एसी मैंने लगा दिया है, यहाँ पे हमारे पास क्लोजेट है जहाँ पे हम लोग अपने कपड़े वपड़े रख सकते हैं, ये बेड वाला एरिया है, यहाँ पे हीटर है, बैठने के लिए जगह है, खाने पीने के लिए सामान है, टेबल है, टोबल है, तकिए वकिए सारा, ये सारी बेंचेस वगैरह है। यहाँ पे हमारा बाथरूम भी एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है, यहाँ पे हमारी टॉवल्स हैं एंड यहाँ पे हमारा टॉयलेट पेपर के लिए मैंने स्टैंड भी लगा दिया है। फ्रेश होने से लेकर एकदम सोने वोने तक एकदम मस्त हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या अब हम लोग अपने रूम को ओपन कर सकते हैं। रूम इज नॉट रेडी येट। वो अच्छा अच्छा यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सही नहीं करी है, यहाँ पे मुझे बेडशीट भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा रूम हो चुका है एकदम रेडी। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने रूम को उठा सकते हैं रेंट के लिए, पर उससे पहले तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने वो रूम कैसे सेट किया है। तुम लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक एसी भी लगा रखा है। फटाफट से करते हैं डोर को ओपन और यहाँ पर तुम लोग जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे प्यारा सा कारपेट तुम्हें दिखाई देगा जहाँ पे तुम अपने पैर क्लीन कर सकते हो, जितनी भी गंदगी होगी वो बाहर रह जाएगी। एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा जो एसी है एंड साथ साथ हमारे यहाँ पे सीलिंग लैंप है और यहाँ पे हमारी टेबल हो गई, यहाँ पे हमारी चेयर हो गई एंड ये है हमारा हीटर। और एक सेकंड रुको, ग्लिच हो गया थोड़ा सा, हीटर और चेयर कोलैप्स कर गई। तो ये हमारी टेबल चेयर हो गई, ये हमारा क्लोजेट हो गया, यहाँ पे उन्होंने एक प्यारा सा रेफ्रिजरेटर भी लगाया है जहाँ पे हम लोग अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्यारी सी टेबल है, उसके ऊपर एक टेबल लैंप लग रखी है, एक ये छोटा सा ड्रॉर है, बेड है हमारा, हीटर हो गया एंड यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं इस बाथरूम के अंदर तो यहाँ पे हमारे एक और कारपेट है, यहाँ पे सिंक है, टॉवल रखने की जगह है, हमारा कमोड है, टॉयलेट पेपर है और नहाने के लिए बाथटब भी है। तो ये हमारा रूम हो चुका है एकदम परफेक्ट और अब वक्त है यहाँ पे इस रूम के लिए कस्टमर ढूंढने का। तो फटाफट चलते अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे जाके, यहाँ पे हमारा हो चुका है रूम रेडी। तो यहाँ पे अगर हम इस रूम को रेंट आउट करते हैं तो हमें मिलेंगे $22 अ डे, आई थिंक अ डे, एक सेकंड रुको, रेंटेड फॉर आवर। ओके हमें इसके हर घंटे पैसे मिलने वाले हैं, मतलब ये तो बहुत सही चीज हो गई। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी चीजें चेक हो रखी है एंड यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे एकदम ग्रीन हो रखा है, सारी की सारी चीजें जितने भी नेसेसरी होती हैं मैंने सब की सब प्लेस कर दी हैं। अब मुझे इस रूम के लिए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। अपने मोटर को करते हैं ऑन, यहाँ पे हमारा मोटर ऑन हो चुका है एंड ये हो चुका है फिलहाल के लिए ओपन। तो यहाँ पे किसी भी वक्त कस्टमर आते होंगे तो वेट फॉर योर फर्स्ट कस्टमर। आई एम वेटिंग लाइक क्रेजी भाई, मैं बहुत ही ज्यादा टाइम से ना भाई इस रूम को सेट करने में लगा हुआ हूँ, तब जाकर फाइनली भाई ये रूम सेट हो पाया है। जब ये कस्टमर आएगा उसे खुला हुआ रूम अच्छा नहीं लगेगा, तो बंद करते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमारा कस्टमर आने वाला है, होपफुली भाई कोई कस्टमर आ जाए। और जैसे ही मैंने बोला भाई, बोलते ही एक बंदा अपनी गाड़ी लेके अंदर आ चुका है। आइए सर आइए, आपकी गाड़ी के लिए पार्किंग थोड़ी साफ कर देता हूँ, मैं गंदी फैला रखी है मैंने, ये भी साफ करना पड़ेगा मुझे यार। ओके बंदा दूसरी पार्किंग में ले गया, चलो अच्छी बात है, वो भी गंदी पड़ी हुई है, कोई नहीं सर हम बाद में साफ कर लेंगे। तो ये हमारा पहला बंदा आ चुका है। हेलो सर, वेलकम वेलकम टू अवर होटल, ये दिस इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर योर स्टे, सर आइए। अरे भाई साहब, अरे मटक मटक के चले भैया, मटक मटक के, अरे बहुत सही, अरे आ जाओ भाई आ जाओ। अरे बंदा बहुत ईगो वीगो वाला लग रहा है, एंट में चल रहा है एकदम, मैं तो सब पैसे एंटूंगा मेरे, तू चल ले एंट में। हाँ कस्टमर को चाहिए चाबी, बढ़िया। रेंट योर फर्स्ट रूम, सर ये रही आपकी कीज, ये रही टेबल पे कीज, टेक दिस की, टेक दिस रूम। ओके तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये हमें बंदा टोटल देगा 22, टोटल बोनस हमें मिलेगा $22, जिसमें हमारा टोटल खर्चा भी बहुत आया है इस पे। रूम वन फॉर 72 आवर्स, टेक पेमेंट। ओके पेमेंट तो बहुत मिल गया भाई, ये तो कूल चीज हो गई, हमारा रूम रेंट पे जा चुका है फॉर 72 आवर्स। और ये क्या है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसने हमें ये दिया है क्या? अबे गंदगी है, छी छी गंदगी थी। सर क्या मैं आ सकता हूँ अंदर? अरे अंदर तो आने दो,
है, बंदा कहाँ है? अरे कोई है ही नहीं अंदर। अच्छा बाथरूम में गया है वो नहाने धोने। ऑर्डर फ्यूल फॉर द स्टेशन। तो भाई यहाँ पे हमने इतनी बिजली खर्च करी है ना, इसलिए हमारा फ्यूल खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमें फ्यूल ऑर्डर करना पड़ेगा। हम कितना लीटर फ्यूल हमें मंगाना चाहिए? फिलहाल अगर हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, उसमें तो 200 लीटर फ्यूल में मंगा लूँ तो सही रहेगा। फ्यूल हमने ऑर्डर कर दिया है। ओपन द गैस स्टेशन। हम लोग यहाँ पे अपना गैस स्टेशन भी ओपन कर सकते हैं। लेट्स गो वेट फॉर द गैस स्टेशन। ओके तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो गैस स्टेशन था वो भी अब अनलॉक हो चुका है। हमें यहाँ से भी पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कम से कम नहीं तो बहुत सारा फ्यूल लगा रखा है। रिजर्व में 60 लीटर पड़ा ही हुआ है और यहाँ पे मैंने 200 लीटर फ्यूल मंगा लिया है। ओके ई टू टेक पंप, और यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं। ओके फाइन। क्या कस्टमर खुदा के नहीं भरेगा, हमें भरना पड़ेगा उसके लिए भी। यहाँ पे आई थिंक मुझे एक बंदा चाहिए होगा जो बार बार यहाँ पे कस्टमर्स के लिए फ्यूल भरे। हाँ सर आइए। ओ भाई यहाँ पे हमारी पावर आउट हो चुकी है, लाइट चली गई है, बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है। क्या हो क्या रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है यहाँ पे मेरे स्टेशन पे? नो इलेक्ट्रिसिटी, एल टू यूज फ्लैश लाइट। ओके गैस कैन निकाल लेते हैं फटाफट से। फिल द गैस कैन फ्रॉम द फ्यूल स्टोरेज टैंक। ओके भर ली। ओके तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरेटर तो खत्म हो चुका है, हमें उससे फुल करना पड़ेगा। पर एक सेकंड रुको, यहाँ पे बंदा हमारा वेट कर रहा है, फटाफट से काम करते हैं। इसको भी फटाफट से फ्यूल दे देते हैं। हाँ भाई ये ले भाई तेरा फ्यूल हो गया। नॉट इनफ, कितना चाहिए था तेरे को? अबे यार पता भी नहीं चली मुझे कितना चाहिए था उसको। कोई नहीं, अपना गैस कैन भरते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वापस लेके आते हैं। पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है भर दिया ना मैंने। लेट्स गो, इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई, जनरेटर भी हमारा दोबारा से रेडी हो चुका है। तो भाई इस वाली वीडियो में बस इतना ही, यहाँ पे हम लोग बाकी के टास्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोगों ने अपना रूम 1 कंप्लीट कर दिया है, वो रेंट आउट हो रखा है 72 आवर्स के लिए। एंड यहाँ पे हमारा गैस स्टेशन भी रेडी हो चुका है। पर इसमें मनी क्यों नहीं आ रहा है? तो बाकी की इस गेम की चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तुम लोग बताना तुम्हें गेम पसंद आया कि नहीं आया। तब तक के तुम लोगों में नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।